एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेगमेंटली का। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं, बात करने वाले हैं ईवीएस के चैप्टर की बॉडी पार्ट की, जो कि केजी क्लास और फर्स्ट क्लास दोनों में ही आता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो मैं इसकी वर्कशीट भी लेके आई हूँ, और वो वर्कशीट ऐसी होगी कि आप फर्स्ट क्लास के लिए भी देख सकते हैं उसको और केजी क्लास के लिए भी देख सकते हैं। थोड़ी लंबी मैंने बनाई है, बहुत सारे आइडियाज़ दिए हैं, आप दोनों तरह से बच्चों को बना के दे सकते हैं, अगर आपका बच्चा कोई सी क्लास में है। उससे पहले लेकिन एक बात कहने वाली हूँ कि जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो बच्चों को ऐसे ही प्रैक्टिकली नहीं सिखा सकते हैं ना, वो तो लिखने की बात तो बात की है कि उनको कॉपी में वर्कशीट में हम कैसे कराएंगे, लेकिन इनिशियली हम क्या कर सकते हैं, जब बच्चे को बता रहे होते हैं, इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं चीज़ों को, तो हम उनको ऐसे ही बता सकते हैं ना कि भाई ये आईज हैं, ये नोज़ हैं। डेली बेसिस पर अगर उनको रेगुलर प्रैक्टिस कराएंगे, उससे बार बार पूछेंगे वेयर आर योर आईज, वेयर इज़ योर नोज़, हाउ मेनी आईज, हाउ मेनी नोज़, तो ऐसे करके बताएगा 1 2। हम उसको स्पेलिंग्स लर्न नहीं कराएंगे, लेकिन हम उसको बताएंगे कि ये पार्ट्स होते हैं, पूरा बॉडी पार्ट्स हम बताएंगे। हमें अपने बॉडी पार्ट्स को बताने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हम अमेज़ॉन से या कहीं ऐसे कुछ मंगाएं उसके लिए, ठीक है। वो हम अपने भी क्योंकि बॉडी पार्ट्स सबके पास होते हैं, तो हम उनको ऐसे बता सकते हैं। रही बात गेम्स के थ्रू, तो गेम्स के थ्रू भी हम बता सकते हैं। लाइक बोर्ड पर हम एक सर्कल से ड्रॉ कर दें एंड उसको बोल सकते हैं ना, इसमें हेयर बना के कि यहाँ पे आईज ड्रॉ कर दो, नोज ड्रॉ करो, ठीक है, माउथ ड्रॉ कर दो, ऐसे करके हम बना सकते हैं। फिर उसको बार बार ये थंब है, अपने थंब से खोलो, इस चीज़ को यहाँ पे लगाओ, ठीक है, अच्छा अपनी फिंगर्स से इस चीज़ को खोलो, इसको ऐसे बनाओ, यहाँ पे लाएं, तो फिंगर्स को यूज़ करो ऐसे करके, अपने शोल्डर्स पर बैग टांगो, तो ऐसे करके हम चीज़ों को उसको रेगुलर बेसिस से बता सकते हैं। तो उसको ये चीज़ समझ में आने लगेगी, ये शोल्डर कहते हैं इसको, ये नेक है, नेक को ऊपर करो, नेक को नीचे करो, ठीक है, ऐसे करके हम चीज़ों को बता सकते हैं हमको। फिर क्या होता है, कॉपी में जैसे आपको कराना हो तो एक गेम खेल सकते हैं उनके साथ ना, कि कोई भी बॉडी पार्ट्स जो पुरानी बुक्स होंगी उसमें से बॉडी पार्ट्स काट लिए एंड एक बॉडी टाइप, एक रफ टाइप बना दी, उसमें बोला कि इसमें ये ऐड करो, ये वाला पार्ट इसमें बताओ कहाँ लगेगा, तो बच्चा उस चीज़ को करेगा, ठीक है। अब जहाँ तक बात आती है, पहली बात तो ये हो गया बॉडी पार्ट्स की, इसी में आगे सेंस ऑर्गन्स आती है, लेकिन आज जो वीडियो कर रही हूँ उसमें सिर्फ मैं बॉडी पार्ट्स की बात करूँगी। सेंस ऑर्गन्स पे नई वीडियो बनाऊँगी जिसमें सेंस ऑर्गन के बारे में हम बात करेंगे, प्लस उसकी वर्कशीट देखेंगे। आज हम सिर्फ बॉडी पार्ट्स की वर्कशीट देखेंगे, तो उसको स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं, बताइएगा वो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी कि नहीं लगी। चलो, जब वर्कशीट की बात आती है तो जैसे हमने उसको उसके और अपने बॉडी पार्ट से बताया हुआ होता है कि भाई ये आईज़ हैं, ये नोज़ हैं, ये शोल्डर हैं, ये हैंड है, ये फिंगर्स हैं, ठीक है, लेग्स हैं, ऐसे करके हमने उसे बताया हुआ होता है। तो जितने पार्ट्स हमने उसे बताए हैं, हम उसको उससे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स क्या कहलाते हैं, और उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे मैंने पूरा नहीं दिया है, मैंने एच डैश डैश आर कर दिया है हेयर के लिए, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं आगे, कि यहाँ पे हम बहुत सारे जो हैं उसको दे दें लिख के, जैसे 4-5 हमने बताए हैं स्टार्टिंग में, तो हेयर का हमने यहाँ लिख दिया, हेयर लिख दिया, आईज़ लिख दिया, ईयर लिख दिया, ठीक है, नोज़ लिख दिया, उसके बाद वो उसको फिल करेगा। तो ऐसे भी दे सकते हैं, साथ में फिल करने के लिए भी दे सकते हैं, दो तरह से दे सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि हम पूरी बॉडी ना देखें स्टार्टिंग में, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे हमने उसको अलग अलग बता दिया, हैंड है, ये फीट है, ठीक है, ये ईयर है, नोज़ है, आईज़ है, ये माउथ है, तो ये अलग अलग से उसको फिगर्स पहचान में आ गई, पिक्चर्स पहचान में आ गई कि ये पिक्चर्स हैं वो वाली, ठीक है। अब यहाँ पे एक फेस बना के दे दिया हमने उसको, उसमें हम पूछ सकते हैं कि ये क्या है, तो यहाँ से उठा देगा क्या है, मैच भी कर सकता है यहाँ पे कि ये किससे मैच कर रहा है, यहाँ से मैच कर रहा है, ऐसे भी कर सकता है। और यहाँ पे लिख सकता है माउथ, अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, एम ओ यू टी एच, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके नीचे हम यहाँ पे पहले से लिख सकते थे माउथ, यहाँ पे हैंड, ठीक है, नोज़, एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है अगर वो छोटा ज़्यादा बच्चा है तो उसको ये स्पेलिंग्स याद ना हो, फर्स्ट क्लास के बच्चे को याद रह हो सकती है, लेकिन छोटी क्लास का अगर आप बात करें तो उसके लिए आपको ऐसे करके देना पड़ेगा उसको, तो वो यहाँ पे इसको फिल कर देगा, एम ओ यू टी एच, रिकोगनाइज तो कर लेगा ना इस चीज़ को माउथ है, तो यहाँ से यहाँ वो लिख देगा इस चीज़ को। तो ऐसे करके भी किया जा सकता है, कई तरीके बता रही हूँ, एक तरीका नहीं है, बच्चे के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को ऐड कर सकते हैं अगर वो ज़्यादा छोटा है तो। ऐसी हैंड का दे सकते हैं, अब हैंड में मैंने 3 ऑप्शंस दे दिए, टीथ आईज हैंड,
इन तीनों में से ये क्या है वो यहाँ पे लिख देंगे, तो क्या आएगा, हैंड आ जाएगा यहाँ पे। ये चीज़ मैं पूछ रही हूँ चिन, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, चिन, लेग, ईयर, तो क्या हो जाएगा, किसको सर्कल कर देगा, चिन को सर्कल कर देगा ऐसे करके। अब यहाँ पे आइज दिए खाली, तो आइज में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई वाई ई एस ऐसे करा जा सकता है। और वही है जैसे आपने अगर ऐसे करके देनी है, ठीक है, अगर आपको सिर्फ आइज नोज़ बना के देनी है और उसके आगे डैश डैश देना है तो नीचे खूब सारे दे दीजिए कि भाई आइज है, नोज़ है, ठीक है, ईयर है, तो उसमें वो फिल कर देगा। ऐसे हमें बढ़ा देनी है वर्कशीट को। ऐसी ये माउथ बनाया है, यहाँ पे आइज हैं, तो आइज को किससे मैच कर देगा, आइज से मैच कर देगा। इस वाले पार्ट को किससे मैच करेगा, इससे, तो उसको पता चलेगा कि ये वाला पार्ट कैसा है, ऐसा है, उससे उसको मैचिंग करना आएगा, साथ साथ उसको पता चलेगा कौन सा पार्ट क्या है, ठीक है। ये वाला पार्ट कहाँ है, ये वाला पार्ट यहाँ है, ये वाला पार्ट कहाँ है, ठीक है, ये वाला पार्ट कहाँ है, तो ये सब ऐसे आएगा। और वही सेम चीज़ है कि आप चाहें तो उसको ऐसे लिख के दे सकते हैं, चाहें तो उसको ऐसे बना के दे सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए, चाहे तो कुछ भी लिख के मत दीजिए, सब बच्चे के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलेगा। ये जो मैंने लिखा हुआ है नीचे, ये इस चीज़ के लिए लिखा हुआ है कि अगर सपोज़ आपने इतनी सारी चीज़ें उसको दे दी हैं तो यहाँ से ढूंढ के वो चीज़ों को लिख सकता है, या फिर अगर आपने उसको हिंट दी तो ये पाँच पाँच करके आप डेली बेसिस पर बढ़ा सकते हैं और इसको ऐसे दे सकते हैं ताकि उसको स्पेलिंग्स भी याद हो जाएँ इस चीज़ की। फिर देखते हैं मैच दी फॉलोइंग। अब उसको भाई रिकग्नाइज करना आना चाहिए ना मेन, कि ये हैंड है तो हैंड किसकी तरह है, हैंड ये रहा, ये क्या है, ईयर है, ये ईयर है, ये आइज हैं तो आइज है, ऐसे करके ये क्या है, ईयर, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज़ माय ईयर आएगा। अगर उसे स्पेलिंग पूरी आती होगी तो वो लिख देगा, नहीं आती होगी इन सब की तो वो हम उसको क्या कर सकते हैं, इनिशियली हम उसको ऐसे करके ऑप्शंस दे सकते हैं, इनमें से ढूंढ के यहाँ पे फिल कर सके। तो ऐसे करके आप हर चीज़ का दे सकते हैं चेंज कर करके, किसी दिन कोई सा बॉडी पार्ट दे दिया, किसी दिन कोई सा आपने बॉडी पार्ट दे दिया। फिर जैसे सेम चीज़ है, इसी चीज़ को मैंने दूसरी तरह से दिखाया है कि जैसे आपने यहाँ पे दे दिया तो क्या चीज़ दिख रही है, हेयर दिख रहे हैं, ठीक है, हेयर लिख दिया। या फिर इसको दूसरी तरह से कैसे दे सकते हैं, आइज़ को मैंने क्या किया, ई वाई ई एस दो जगह डैश लगा दिया तो आइज़ हो गई हैं, तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं हम। फिर टिक द राइट नंबर। अब क्या राइट नंबर, आई हैव टू आइज़, करेक्ट है कि रॉन्ग है, टू आइज़ होती हैं, करेक्ट है, टिक हो जाएगा। वन ईयर, नो, रॉन्ग है। थ्री आइज़, रॉन्ग है। टू ईयर्स, राइट है। ऐसे करके हम दे सकते हैं ताकि नंबर्स का पता रहे कि कितने नंबर्स होते हैं, ऐसी फिंगर्स का दे सकते हैं ना, कितनी फिंगर्स होती हैं, ठीक है, थंब कितने होते हैं, ऐसे करके हम चीज़ों को दे सकते हैं। अब फंक्शंस क्या क्या होते हैं बॉडी पार्ट के, ये भी हम बता सकते हैं कि भाई लेग्स एंड फीट हेल्प अस टू, किसके काम आती हैं, तो हम लिख सकते हैं जंप, किक, वॉक, हमने उसको ये भी दे दिया, ठीक है, क्योंकि हम क्या एक्शंस के साथ दे रहे हैं उसको, छोटा बच्चा होता है तो वो एक्शंस के साथ देख के ही बता पाता है। फर्स्ट क्लास का बच्चा भी पहले देख के ही बता पाएगा, उसके बाद वो अपना दिमाग चलाता है कि हाँ ये इसलिए होता है, और उसे याद हो जाती है, जंप, वॉक, किक, जब उससे आप पूछते हो तब उसे वो चीज़ याद हो चुकी होती है, लेकिन इनिशियली उसको फिगर्स के थ्रू ही हम बताते हैं। फिर दूसरी आती है फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स बीइंग यूज्ड। अब जैसे यहाँ पे क्या है, रितु इज़ होल्डिंग अ पेंसिल इन हर, कहाँ होल्ड करेगी पेंसिल वो, या तो सिंपल हैंड बता देगी, ठीक है, या फिर हम पिक्चर्स के साथ दे सकते हैं। यहाँ पे क्या, एक रफ सी फिगर बनानी है, यहाँ पे हाथ में उसको पेंसिल पकड़े दिखाया है तो हैंड आ जाएगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको मैंने पजल्ड कर दिया, आगे पीछे कर दिया इसको मैंने, अब यहाँ पे एच ए एन डी कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मैं दो ऑप्शंस दे दूँ, यहाँ पे हैंड दे दूँ पूरा पूरा, एच ए एन डी हैंड कर दें, और साथ में इसमें हम फीट कर दें, ठीक है, तो इनमें से एक यहाँ पे चूज़ करके लिख देगा, ऐसा कर सकते हैं। फिर मैच दी फॉलोइंग, वही चीज़ जो हमने वहाँ करी थी ये हम दूसरी तरह से कर रहे हैं। ईयर्स कितने होते हैं, टू होते हैं, माउथ वन, नोज़ वन, आइज़ टू, ऐसे करके मैच कर देंगे तो क्लैरिटी बढ़ानी है धीरे धीरे करके। फिर अब यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग दूसरी तरह से कैसे दे सकते हैं,
कि ईयर्स किसके काम आते हैं। यहाँ पे हम साथ में पिक्चर्स भी बना सकते हैं, ठीक है। ईयर्स, माउथ की पिक्चर बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके आप पिक्चर्स बना सकते हैं अपने आप। नोज़ बन जाएंगे, शोल्डर्स बन जाएंगे। तो ईयर्स किस काम आते हैं, ईयर्स किस काम आते हैं, लिसनिंग टू म्यूज़िक। तो यहाँ पे ये मैच हो जाएगा। चाहे तो यहाँ पे एक आदमी बना के या फिर एक गिटार बना के आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। कान में हेडफोन लगा सकते हैं, वो भी बन सकता है। यहाँ पे फ्लावर बना सकते हैं, फ्लावर हो सकता है। यहाँ पे बैग बना सकते हैं, शोल्डर पे बैग बना हुआ हो सकता है। तो बहुत ऐसे करके हम चीज़ों को बना के और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने बच्चे के अकॉर्डिंग, कि वो इतना कर पाएगा पढ़ के या फिर फिगर्स देख के कर पाएगा। ये जो मैं आपको गेम की बात कर रही थी, इस तरह से हम गेम बना सकते हैं। एक तो मैंने कहा था आप काट के दे दीजिए, आईज आप काट दीजिए, नोज़ काट दीजिए, माउथ काट दीजिए, तो यहाँ पे बार बार वो लगाएगा, ये कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे वो बनाएगा उसको, ठीक है। फिर एक बार फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने ऊपर ऑप्शंस दे दिए हैं, ठीक है। नोज़, ईयर्स, आईज, हैंड्स, लेग्स। अब इसमें आई ओपन्ड माई डैश टू सी या वॉच टीवी, तो हम किससे देखते हैं, आईज से देखते हैं, यहाँ पे आईज आ जाएगा। आई ओपन्ड माई, इसको दूसरी तरह से कैसे दे सकते हैं, आईज या नोज, दो दे दिए मैंने उसको, टू वॉच टीवी, तो किससे देखते हैं, आईज से देखते हैं, इसको टिक हो जाएगा या सर्कल हो जाएगा। तो ये ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे होते हैं, हम कितने तरह से चेंज करके बच्चों को दे सकते हैं चीज़ों को, और कितना ईजी बना सकते हैं और कितना उसके लिए हम टफ़ कर सकते हैं। फिर मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे एक साइड फिगर्स हैं और एक साइड यहाँ पे बॉडी पार्ट्स लिखे हुए हैं, उनको मैच करना है, ठीक है। हैंड हो गया, टीथ हो गया, नोज हो गया, इसको मैच करना है, वेरी सिंपल। अब राइट द करेक्ट बॉडी पार्ट। अब ये क्या दिख रहा है, टीथ। तो यहाँ तो डायरेक्ट टीथ लिख सकता है, या फिर अगर नहीं आता है तो हम उसको ऐसे भी दे सकते हैं, टी डैश डैश करके, ये भी नहीं आता है तो नीचे उसको हम ये भी लिख के दे सकते हैं, यहाँ से फिल हो जाएगा। तीन तरह से हम चीज़ों को घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको मैंने आगे पीछे कर दिया है, अब उसको रेक्टिफाई करके यहाँ पे लिखेगा, लेकिन हमने साथ में ये ऑप्शंस भी देने हैं ताकि वो इसको सॉल्व कर सके। टी डबल ई टी एच हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। अब मैच द फॉलोइंग और तरह से क्या हो सकता है, बहुत तरीके हैं फिलिंग द ब्लैंक्स मैच द फॉलोइंग के, डिफरेंट डिफरेंट आप चीज़ों को चेंज करके दे सकते हैं। अब ये क्या है, शूज़ दिख रहे हैं, शूज़ कहाँ पहने जाते हैं, तो शूज़ यहाँ पहने जाते हैं, ठीक है। इसमें चाहे तो आगे लिख भी सकते हैं, आपको लिखना हो तो इसके आगे भी लिख सकते हैं लिखना हो तो। ये कैप है, मैंने कैप बनाई है, तो कैप कहाँ पे पहनी जाती है, हेड, तो यहाँ कैप आएगी, ठीक है। ये पैंट है, पैंट कहाँ पहनी जाएगी, लेग्स में पहनी जाएगी। तो ऐसे करके आप चीज़ों को दे सकते हैं बना के, कलरफुल बना दीजिएगा इसको तो बड़ा मज़ा आएगा। उसके बाद ऐसे भी कर सकते हैं, एक पिक्चर बना दी उसको कलर करना है, लाइक माउथ को रेड करना है, आईब्रोज को ऑरेंज करना है, आईज को ब्लैक करना है, ईयर्स को ग्रीन करना है, तो मज़ा आएगा कलरफुल बनाने में इसको। फिर हम पजल बना के भी दे सकते हैं, लाइक फाइंड द बॉडी पार्ट्स। अब बॉडी पार्ट्स ढूंढने हैं हमें। अब यहाँ पे जैसे हैंड दिख रहा है, यहाँ पे टीथ दिख रहा है, यहाँ पे ईयर दिख रहा है। अब ऐसे हम चीज़ों को और चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम इसमें बना सकते हैं, आईज भी डाल सकते हैं यहाँ पे, कहीं पे मैं आईज लिख देती हूँ, ई वाई ई एस, ठीक है। अब नीचे हम उसको या फिर ऊपर हम उसको दे सकते हैं कि फाइंड दीज, लाइक हैंड लिख दूँगी मैं यहाँ पे, हैंड यहाँ पे लिख दूँगी, फिंगर फिर लिख दूँगी, आईज, सर्च दीज वर्ड्स, सर्च दीज बॉडी पार्ट्स, तो यहाँ पे बॉडी पार्ट सर्च कर, इसको पजल को हम पूरा कर देंगे, कोई भी लेटर्स हो आगे लिख देंगे, ये पजल पूरा हो जाएगा, इस पर से सर्च करेगा। आईज हो गया, ठीक है, टीथ हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंड यहाँ से वो सर्च करेगा इसमें कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं, और इसको हम पूरा कर देंगे इस पजल को, लाइक ए बी सी डी ई कुछ भी भर देंगे इसमें, और ये जो पाँच नाम दिए हैं इसमें बॉडी पार्ट्स में, वो इसमें ढूंढ के और उसको सर्कल कर देगा वो, या फिर कलर कर देगा डिफरेंट डिफरेंट कलर से जो हम उसको बताएंगे। हम ये भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं चीज़ों को। फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक ऐसे एग्जांपल्स ना देके ऊपर हम उसको क्या हिंट दे सकते हैं, टीथ बना के दे सकते हैं। टीथ के नीचे टीथ बना दिया, ईयर के नीचे ईयर बना दिया, हैंड के नीचे हैंड बना दिया,
ठीक है, ऐसे करके हम उसको बना के दे सकते हैं चीज़ों को जो वो यहाँ पे ढूंढेगा। अब यहाँ पे जैसे और छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, आई है सपोज़, ठीक है, सर्कल करना है, तीन बॉडी पार्ट हमने बना दिए, तीन बॉडी पार्ट हमने बना दिए, कौन सा वाला है आई तो उसको सर्कल कर देना है, ये कर सकते हैं हम। फिर कंप्लीट दी बॉडी पार्ट्स, अब वही है, यहाँ नोज़ बनी है तो यहाँ एन ओ एस ई हो जाएगा, यहाँ आईज ई वाई ई एस हो जाएगा, नहीं तो फिर हम उसको ये एग्जांपल्स भी नीचे दे देंगे, ठीक है, ये टीथ वाला रॉन्ग है, हम इनमें से उठाएंगे, हमें जो सही है हुआ यहाँ पे हम उसको फिल कर देंगे, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके स्पेलिंग्स भी याद होने स्टार्ट हो जाएंगी। क्रॉसवर्ड बना सकते हैं, लाइक पहला हमने दिया है फीट, तो एफ डबल ई टी फीट आ जाएगा, टी टी से टीथ हो जाएगा यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, एफ कर देंगे, यहाँ पे टी कर देंगे, यहाँ पे ई कर देंगे, ठीक है, ऐसे करके हम इस क्रॉसवर्ड को पूरा कर देंगे नीचे तक और वो इसको फिल करेगा ढूंढ के। ईयर्स जैसे फिफ्थ में ईयर्स दिख रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ई ए आर एस कर दिया मैंने यहाँ पे, तो इसको ढूंढ के करने में मज़ा आएगा उसका, इसको हम पूरा करके उसको दे सकते हैं करने के लिए। तो ये कोई वर्कशीट आप बना सकते हैं आराम से जो कि दोनों क्लासेस के लिए यूज़ हो जाएगी, केजी क्लास के लिए भी और फर्स्ट क्लास के लिए भी। आपको मैंने बताया बहुत तरीके हैं चेंज करने के, उसको बहुत ईजी बनाने के और उसको थोड़ा सा ईजी करने के लिए, टफ़ करने के लिए उसको, कि भाई उसको कोई हमने हिंट नहीं दिया और हमने उसको बना के दे दिया, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कैसे करेंगे उसको। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी एंड आपके बच्चे इससे ये वाला चैप्टर आराम से कर पाएंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे वो सेंस ऑर्गन्स करेंगे, जो इसी से ही रिलेटेड है, इसी का ही पार्ट है, वो हम अलग वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नहीं तो अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी काम आ सकते तो प्लीज़ फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर सेंस ऑर्गन वाले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई